हेलो एवरीवन, टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट क्लास सेकंड सब्जेक्ट इंग्लिश क्वेश्चन आंसर. ओके, नाउ आर यू रेडी? टेक योर कॉपी पेंसिल एंड रेजर एंड राइट विथ मी. नाउ स्टार्ट क्लास सेकंड इंग्लिश. आज हम आपको क्वेश्चन आंसर लिखाने जा रहे हैं. आपके बुक में कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, उसका आंसर मैं भी आपको लिखाऊंगी और आप अपनी कॉपी में ब्यूटीफुल राइटिंग में लिखेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. क्वेश्चन नंबर वन, व्हाट डज द चाइल्ड इन द पोयम थिंक. About his drawing. That means बच्चा जो पोयम में आपका बच्चा है इसमें जो पोयम में वो अपने ड्राइंग के बारे में क्या सोच रहा है उसी का आंसर हमें यहाँ पर लिख कर बताना है. ओके, तो चलिए हम आंसर लिखते हैं. बच्चा अपने ड्राइंग के बारे में क्या सोचता है. नाउ राइट द आंसर. ही इज थिंकिंग that he is thinking that his drawing would be as good as his other classmates. एक बार मैं इस आंसर को रीडिंग कर रही हूँ, आप लोग ध्यान से सुनेंगे. ओके, ही इज थिंकिंग दैट हिज ड्राइंग वुड बी एज गुड एज हिज अदर क्लासमेट्स. वो क्या सोचता है, इसका मतलब ये हुआ कि क्या क्लास में जो अदर स्टूडेंट हैं और भी जो बच्चे हैं उन्हीं की तरह मेरी ड्राइंग अच्छी होगी, वो ये सोचता है. अब हम सेकेंड क्वेश्चन को लिखेंगे. सेकेंड क्वेश्चन है क्या आपका, What does the child wonder about his teacher? फिर उसके बाद वो अपने टीचर्स के बारे में क्या सोच रहा है. ठीक है, चलिए क्वेश्चन लिखते हैं. What does the child? What does the child wonder about his teacher? अब हम आंसर लिखेंगे. इस क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ कि बच्चा अपने टीचर्स के बारे में क्या सोच रहा है. नाउ राइट द आंसर. ही वंडर He wonders whether his teacher
whether his teacher likes him as his mother or grandmother. Grandmother. Full stop. Okay. Now I read this answer. He wonders whether his teacher likes him as his mother or grandmother. मतलब वो क्या सोच रहा है कि जो उसके टीचर हैं वो किसके जैसे दिखेंगे, उसकी मम्मी के जैसे या फिर उसकी दादी की तरह. ठीक है, ये आपका दोनों आंसर हुआ. और एक और लास्ट आंसर है, चलो इसको हम इरेज कर रहे हैं, फिर उसको हम लास्ट क्वेश्चन को लिखेंगे, फिर आंसर आपको बताएंगे. क्वेश्चन लिखे सी वाला. सी है, डू यू थिंक द चाइल्ड वुड लाइक टू carry his puppy to school. Question mark. क्वेश्चन में रीड कर रही हूँ. डू यू थिंक द चाइल्ड वुड लाइक टू कैरी हिज पपी टू स्कूल. क्या वो बच्चा सोचता है कि अपने पपी को स्कूल ले जाने के लिए, तो आप उसका आंसर बताना है. आंसर इसका दोनों वे में हो सकता है, यस वे और नो. आप दोनों तरीके से आंसर दे सकते हो कि वो बच्चा स्कूल ले जाने के लिए सोचता है क्योंकि वो बहुत प्यार करता है अपने पप्पी से, या फिर वो नहीं ले जाना चाहता क्योंकि स्कूल में हम पप्पी को तो ले जा नहीं सकते हैं. तो चलिए आंसर लिखते हैं. नो, ही कांट कैरी his puppy to school. No, he can't carry his puppy to school. वो अपने, इसका मतलब ये हुआ कि वो पप्पी को स्कूल नहीं ले जा सकता है क्योंकि आपको पता है स्कूल में तो हम किसी भी पप्पी को नहीं ले जा सकते, किसी भी पेट को नहीं ले जा सकते हैं, वहाँ तो पढ़ाई होती है. तो इसलिए यहाँ पे आंसर हमें दिए देते हैं, नो ही कांट कैरी हिज पप्पी टू स्कूल. तो ये तो हो गया आपका क्वेश्चन आंसर. अब मैं आपको कुछ वर्क दूंगी जो आपको खुद करना है और उसको फिर आप हमारे पास सेंड करोगे, मैं चेक करूँगी. तो चलिए आप होमवर्क नोट करिए. ठीक है, ये हो गया आपका कंप्लीट क्वेश्चन आंसर. आप अपनी कॉपी में इसको अच्छे से लिख करके लर्न करोगे. अब इसके बाद मैं आपको एक वर्क दे रही हूँ जो आपको खुद करना है और फिर सेंड कर देना. अब मैं देखूँगी कि आपको कितना इस पोएम के बारे में नॉलेज हो गया है कि आप होमवर्क अपने से कर सकते हो. अब यहाँ पे आपको करना है मैचिंग. क्या
क्या करना है, मैचिंग। मैचिंग करने में आपको बहुत मज़ा आता है, इसलिए मैं आपको आज होमवर्क में मैचिंग दे रही हूँ, ठीक है। तो मैचिंग में कुछ वर्ड्स हैं जो मैं आपको बता चुकी हूँ, उसी से रिलेटेड है। यहाँ पे आप एक ए डालिए, ये बी कॉलम, ओके। अब यहाँ हम लिखेंगे ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट हो गया। यहाँ हो गया बाईसाइकिल, फिर हो गया आपका क्लास, क्लास, फिर हो गया आपका फ्रेंड, ठीक। ये है ब्रेकफास्ट, ये है बाईसाइकिल, ये है क्लास, और ये है फ्रेंड। अब मैं यहाँ पे कुछ अदर वर्ड्स दूंगी जो इनसे रिलेटेड होगा और आपको उसको मैच करना है, ओके। यहाँ पे है शेयरिंग, यहाँ पे है स्टडिंग, ये है राइडिंग, ये है शेयरिंग, स्टडिंग, ईटिंग एंड राइडिंग। ये वर्ड्स इनसे रिलेटेड हैं। अब आपको इसको मैच करके बताना है हमारे पास, तब मैं देखूंगी कि आपने सही किया है या नहीं किया है। जैसे एक एग्जांपल, ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट मीन क्या होता है, सुबह का नाश्ता। अब सुबह का नाश्ता क्या करेंगे हम, शेयर करेंगे कि स्टडिंग करेंगे कि ईटिंग करेंगे कि राइडिंग करेंगे, अब ये आपको आइडेंटिफाई करना है। तो जहाँ तक मैं जानती हूँ, आप ब्रेकफास्ट क्या करते हो, ईटिंग करते हो, तो आप ईटिंग में इसको मैच कर दोगे, ओके, इज दैट क्लियर। नेक्स्ट है बाईसाइकिल। अब बाईसाइकिल क्या करते हैं हम यहाँ पर, आप फिर से बस चेक करोगे, शेयरिंग है, स्टडिंग है, ईटिंग तो हो गया है, अब है राइडिंग है। अब राइडिंग मीन क्या होता है, ये आपको मालूम होगा तभी आप मैच कर सकते हो। तो राइडिंग मीन होता है सवारी करना, तो अब आप यहाँ पे किसकी सवारी कर रहे हो, ये आप यहाँ पे चेक करोगे और मैच करोगे, ओके। तो इस तरह से ये वर्क आपको खुद करना है आइडेंटिफाई करके, और नेक्स्ट वर्क मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। तब तक के लिए थैंक यू।